पिंपल देकर और बाई जयति। आज जो वीडियो लेके मैं आपके पास आई हूँ वो एक डेकोर वीडियो है ऑब्वियसली, और बेडरूम मेकओवर को लेके है। और ये बहुत बजट फ्रेंडली भी है क्योंकि अभी भी लॉकडाउन कभी कहीं कहीं जगह पे जारी है। सो बहुत कुछ चीज़ मिल नहीं रही है, मुझे भी और भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, कुछ और भी प्लांट्स चाहिए थे, प्लांट्स थोड़े कम हो गए, लेकिन उसी में ही मैं ये मेकओवर कर चुकी हूँ क्योंकि ये मेकओवर बहुत दिन से पेंडिंग था, मैं और नहीं वेट करना चाहती थी, तो ये मैंने कर लिया। और ये इसके साथ ये बेडरूम सिर्फ नहीं है मेरा, एक यहाँ पे मैं बहुत सारा शूटिंग भी करती हूँ, तो मुझे एक गैलरी वॉल चाहिए था, एक अच्छा सा बैकग्राउंड चाहिए था, तो वो भी मैंने इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। इसी बेडरूम के साथ वो गैलरी वॉल भी मैंने जो क्रिएट किए हैं वो भी आपसे शेयर करूंगी। थोड़ी बहुत आपको पीछे दिख रही होगी, तो बाकी वीडियो में तो है ही। और ये रेंटर फ्रेंडली भी है क्योंकि रेंटेड हाउस में काफ़ी सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं, आप बहुत कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सो ये इसी घर में भी मेरा भी वही हाल है, सो थोड़ी बहुत लिमिटेशंस मेरे भी है, जो भी चाह वो नहीं कर सकती मैं, थोड़ी बहुत डूज एंड डोंट्स है, तो उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने ये मेकओवर किया है। सो आई होप आपको ये अच्छे लगेंगे एंड यू विल एन्जॉय इट। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी हो आपको अच्छा लगा या नहीं वो भी कमेंट कीजिए, और क्या क्या देखने चाहते हैं आप लोग वो भी प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। सो फिर चलिए और ज़्यादा नहीं देर करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये मेरे बेडरूम की प्रीवियस लुक है, काफ़ी सारे कलर्स ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, सो इसीलिए थोड़ा सा क्लम्सी भी दिख रही है, तो उसीलिए मैंने जो इस मेकओवर में जो किया है मेनली वो एक पेस्टल कलर थीम मैंने यूज़ किया है। मैं ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करूँगी, वही मैं आपसे शेयर करूँगी, जैसे कि कर्टन्स या कोई भी सॉफ्ट फर्निशिंग जो भी है कुछ भी मैं नहीं चेंज कर रही हूँ। और बेडरूम में काफ़ी सारे यूज़फुल चीज़ें रहते हैं तो हम उनको इंटैक्ट रखेंगे, क्योंकि मेकओवर की मतलब ये नहीं है कि आप अपने ज़रूरतमंद चीज़ों को बाहर फेंक दें, तो उनको तो आपको रखना ही पड़ेगा। उसको रख के एक मेकओवर मैं आपको दिखाऊंगी। और कर्टेंस या सॉफ्ट फर्निशिंग जैसे कि मैंने बोला है कुछ भी नहीं चेंज कर रही हूँ, तो इसी में ही पूरा मेकओवर होने वाला है। मेरी बेडरूम काफ़ी बड़े हैं इसीलिए मैंने एक सिटिंग अरेंजमेंट भी रखा है, आप देख सकते हैं एक टू सीटर सोफ़ा मैंने रखा है। बेडरूम में अगर एक छोटी सी सिटिंग अरेंजमेंट आप करते हैं तो वो बहुत कोज़ी रहता है, तो आप देख सकते हैं ये अभी केस की लुक कुछ ऐसे ही है। और मैंने बहुत कम पैसे स्पेंड किए हैं इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं मेरे साइड टेबल्स भी एक ही है और दूसरी तरफ एक जुगाड़ टाइप का कुछ है। और ये जो है ये मेरा वॉल, दो स्पेसिफिकली जो दो वॉल की बात मैं कर रही थी कि जिसमें एक गैलरी वॉल सोच रही हूँ मैं बनाने के लिए, तो ये एक एम्प्टी वॉल होने वाली है और ये भी एक है। अभी कुछ चीज़ें इसमें चढ़े हुए हैं तो उनको मैं उतारना है मुझे, तो उसके बाद इसको सजाना है। और ये जो फर्नीचर्स ये पहले से मैंने कलर किया है, नॉर्मल जो वॉल पेंट होता है उससे ही मैंने ये टील कलर करके रखा है, क्योंकि सारे फर्नीचर्स बहुत डार्क है तो मैं थोड़ा सा पेस्टल शेड्स मुझे लाना था, पेस्टल एक वाइब लाना था, उसीलिए मैंने ये फर्नीचर्स जो है उसको कलर किया है। और यहाँ के नॉब के हिसाब से मैं कुछ टाइल्स लगा दिया है। गैलरी वॉल बनाने से पहले मेरे पास जो भी जुगाड़ था मैं उसको लेके बैठी हुई हूँ। इसमें कहीं सारे चीज़ें मेरी DIYs हैं, आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं, इसी चैनल में सारे DIYs दिए हुए हैं और कुछ खरीदे हुए हैं, जैसे कि ये कुछ खरीदे हुए हैं, लेकिन ये जो बनाए देख रहे हैं आप ये मैंने बनाया है, DIYs है। सो मैंने पहले इसको एक लेआउट जैसा बिछाया है फ्लोर पे, करके देख रही हूँ कि कैसे मैं अपने वॉल को डेकोरेट करूँ, उसका एक अंदाज़ा मुझे लगाना है। तो आप पहले फ्लोर में सारे चीज़ को ऐसे फैला के देख सकते हैं कि इसको कैसे लग रहा है। तो अभी मैंने डिसाइड कर लिया कि कहाँ क्या लगाना है, तो अभी इसका लुक देखिए। तो ये रहा मेरा एक साइड का गैलरी वॉल, थोड़ा सा मैंने पेस्टल शेड्स रखा है और थोड़ा सा सिंपल रखा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाला है।
आई होप कि ये अच्छे लग रहे हैं। तो गैलरी वॉल के लिए मैं कुछ ग्लू गन यूज़ करके इसके पीछे कुछ जूट रोप्स भी लगा रही हूँ, वो मैं बाद में यूज़ करने वाली हूँ। इस वॉल में मैं वो सारे कुछ लगाने वाली हूँ। तो अब दोनों जो वॉल है उसकी जो जंक्शन है वहाँ पे मैंने एक हैंगिंग शेल्फ लगाया है। मुझे बहुत शौक था कि मैं एक हैंगिंग शेल्फ लगाऊंगी, तो मैंने खरीदी है, अमेजन से खरीदी है। तो यह भी यहाँ पे मैं डेकोरेट कर रही हूँ। ये भी सारे कुछ चुंबक से ली हुई है और बहुत पेस्टल शेड्स में ही रखा हुआ है। आप देख सकते सारे पेस्टल शेड्स की चीज़ ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला है कि ये जो थीम होने वाली वो थोड़ा सा पेस्टल शेड्स में मैं रखने वाली हूँ। ये जगह जो है वो हाईलाइट करने के लिए मैं फेरी लाइट यूज़ करने वाली हूँ। कुछ भी जगह अगर वहाँ पर लाइट अच्छी हो तो वो बहुत अच्छा लगता है। में जो चीज़ मैं हर रोज़ यूज़ करती हूँ वो मैं एक बहुत सुंदर से एक ट्रे में उसमें अरेंज कर रही हूँ। जैसे एक जूट बास्केट है, ये जो नॉर्मल बॉक्स होते हैं अमेज़न के डिलीवरी के टाइम आते हैं उनके ऊपर मैंने डेकोपाज किया है और इसमें मैं रोज़ जो यूज़ होते हैं वो सारे चीज़ रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फ्लावर वर्स ऐड कर दिया है, तो फ्लावर बहुत ब्राइट है और अच्छा लग रहा है। ये मेरा बहुत फेवरेट है और ये एक शोपीस की जैसे मैंने रखा है, लेकिन ये एक डिफ्यूज़र है बट ऐसे शोपीस ही मैंने रखा है। और ये जूट का जो वो है इसमें मैं अपना कुछ निकनैक्स रखती हूँ। मेरे एक साइड टेबल है बेड के साइड का, तो मैं यहाँ पे भी मैं एक ट्रे रखी हूँ। यहाँ पे एक मनी प्लांट बहुत सुंदर एक प्लांटर में मैं रखी हुई हूँ और एक साइड मैंने खाली रखा है जहाँ आप चार्जर देख रहे हैं, यहाँ पे मैं फ़ोन चार्ज में देती हूँ, तो ये बहुत सिंपल मैंने रखा है। और दूसरे साइड का जो अभी आप देख रहे हैं जो साइड टेबल है ये भी कलर किया है वॉल कलर से, तो यहाँ पर मैं एक लैम्प शेड ऐड कर रही हूँ और उसके ऊपर एक सेरेमिक ट्रे ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ मैं पॉट पोरी डालूँगी। पॉट पोरी में बहुत अच्छा सा एक सेंट होता है जो बेडरूम को बहुत खूबसूरत एक माहौल देता है। और एक सेंटेड कैंडल भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये जगह बहुत सुंदर लग रही है, स्पा जैसा एक फील दे रहा है। तो ये भी सारे पेस्टल शेड्स के बीच में मैंने यहाँ पे एक फ्रिडा की पेंटिंग जो है वो ऐड किया है। और ये है मेरे सोफ़ा के साइड का और एक साइड टेबल, ये भी थोड़ा सा जुगाड़ किया हुआ है। एक स्टूल के ऊपर एक प्लाई जो मेरे घर में पड़ा हुआ था उसको मैंने डाल के रखा है। और ये जो लैम्प आप देख रहे हैं ये भी मैं एक शॉप से ख़रीदी हुई हूँ, लोकल शॉप से। ये कलर भी बहुत अच्छे से जा रहा है, थोड़ा सा रास्टिक है। और ये जो एक साइड में कुछ शो पीसेस मैंने रखा हुआ है, तो ये सारे मैंने DIY किया है डेकोपाज का। तो ये मैं पहले ज़माने के बनाए हुए हैं और ये इसका DIY मेरा इस चैनल में ही दिया हुआ होगा, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। एक जार में ऐसा कुछ अरेंज किया है मैसन जार में। और ये जो है थाईलैंड से लिया हुआ एक कोकोनट शेल में ऐसे कुछ काम किया हुआ है, उसके ऊपर मैंने पॉट पोड़ीज और कुछ शेल्स रखे हैं सी शेल्स। तो ये जगह कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी मैं कुशन ऐड कर रही हूँ अपनी सोफे में, क्योंकि बिना कुशन कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो कुशन मैंने ऐड कर रही हूँ। तो कुछ ऐसे वाइट में कुछ पेस्टल कलर की कुशन मैंने यहाँ पर ऐड किया। मेरे पास जो सॉफ्ट फर्निशिंग था उसके ऊपर ध्यान रखते हुए मैंने ये मेकओवर किया है। अभी बेड आप देख सकते हैं, बेड मेरे काफ़ी डार्क है तो उसको मैंने चेंज नहीं किया। और एक पेस्टल कलर का मैंने बेडशीट चूज़ किया और बहुत सिंपल तरीके से सजाया। मेरे पास उतने कुशंस भी नहीं थे अभी, तो जस्ट टू पिलो और टू कुशंस जो कि मैंने पेस्टल कलर में रखा है। और एक आप क्विल्ट जैसा देख रहे हैं, ये बेसिकली एक थ्रो है जो कि ऐश कलर में है। एक कॉर्नर में मैंने प्लांट रखा है, मेरे पास एरिका था, तो एरिका प्लांट बहुत सुंदर लगता है कहीं भी आप ऐड करें तो।
और ये तो मनी प्लांट मैं आपको बोली थी, तो थोड़ा सा ग्रीन टच आप देंगे आपके रूम पे तो वो अच्छा लगता है। बेड के ऊपर वाला जो वॉल है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं ये वॉल बहुत सिंपल रखा है, तो गैलरी वॉल मैंने अल्टीमेटली नहीं बनाया है इस वॉल में, क्योंकि दोनों साइड में गैलरी वॉल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने दो चीज़ ऐसे ऐड किए हैं, और ये जो पिंक वाला फोटो बोर्ड आप देख रहे हैं वो मैं DIY किया है, इसी चैनल में इसका लिंक होगा तो आप। और एक साइड में देखिए मेरा, जैसे मैं कूलर मुझे रखना ही पड़ेगा तो ये, और एक वेइंग मशीन ये तो है ही, और उसके साथ मैंने एक ऐसे स्टूल को ऐड किया है, सारे वही टील ब्लू कलर का मैंने किया है, और उसमें एक जीजी प्लांट लगाया है, और ऊपर जो देख रहे हैं एक आर्ट वो भी DIY किया हुआ है, तो ये जगह कुछ ऐसे दिख रहे हैं। तो कुछ फर्नीचर मेरे घर में बहुत डार्क कलर के थे, तो उसी लिए सारे फर्निशिंग जो भी मेरे हाथ में था वो मैंने बहुत पेस्टल कलर में यूज़ किए हैं। तो ये एक मैंने रग यूज़ किया है, तो थोड़ा सा पेस्टल कलर के चाहिए था लेकिन अभी मिले नहीं, तो ये मेरे पास था तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये पूरा लुक कुछ ऐसा लग रहा है, आप देख सकते थे मैं डोर से ये पूरा शूट कर रही हूँ तो कुछ ऐसा लग रहा है। तो फिर चलिए डे व्यू तो आपको दे दिया, अभी दिखाती हूँ इनकी नाइट व्यू। तो ये रहा मेरा नाइट व्यू, कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो आज के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, बाय।